नमस्कार, खबर दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज चीन विच शुरू हो रहे 2 रोजा 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। भारतीय चोन कमिशन वालों राष्ट्रपति के अहदे लई चोन संबंधी अधिसूचना जारी। संगरूर लोक सभा जिमनी चोन लई मतदान जारी, गिनती अते नतीजा 26 जून नूं। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास पलक तो। महाराष्ट्र विच सियासी संकट जारी। हुन खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नूं इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर नाल वधन की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम नूं वर्चुअली संबोधन करदिआं कहा कि 2025 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्हां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति ते चानणा पाउंदिआं कहा कि इस समय देश के बुनियादी ढांचे तहत 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करन दा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शुरू हो रहे 2 रोजा 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है। वर्चुअल माध्यम राही होने वाले इस शिखर सम्मेलन का थीम आलमी विकास लई नवे दौर विच उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स पाई वाली नूं उत्साहित करना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को मेहमान मुल्कां नाल आलमी पद्धर की एक उच्च पद्धरी विचार वटांदरे की प्रधानगी करेंगे। इस विचार वटांदरे विच ब्रिक्स नेता अते प्रसंगक उभर दे बाजारां नाल विकासशील मुल्कां दे आगू भी शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स सारे विकासशील देशों दीआं चिंतावां दे मुद्दिआं ते चर्चा करन दा एक मंच बन गया है। जिक्रयोग है कि ब्रिक्स मुलक संगठन नूं होर ज्यादा समावेशी अते नुमाइंदगी वाला बनाउण लई बहुपक्षी प्रणाली विच सुधार लई लगातार सदा दिंदे आ रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच वणज अते सनअता मंत्रालय दे नवे कॉम्पलैक्स वाणिज्य भवन दा उद्घाटन करनगे। इस दौरान ओ नवा पोर्टल निर्यात वी लॉन्च करनगे। निर्यात पोर्टल सारे ही सरकारियां लई भारतीय विदेश व्यापार नाल संबंधित हर तरह की जरूरी सूचना मुहैया करवाउण लई वन स्टॉप प्लेटफॉर्म वजों विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन भी करनगे। जिक्रयोग है कि वाणिज्य भवन इंडिया गेट नेड़े उसारिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रकट किया है कि एनडीए वालों ऐलाने राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के एक महान राष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, गरीबों ते हाशिए ते रह रहे लोगों के सशक्तिकरण लई समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि द्रौपदी कोल बेहतर प्रशासनिक तजर्बा है अते राज्यपाल वजो उन्हों का कार्यकाल भी शानदार रहा है। मोदी ने कहा कि करोड़ों लोगों खास करके जिन्होंने गरीबी अते परेशानी का सामना किया है वह द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी तो प्रेरणा लेंदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने नीतिगत मामलों बारे समझ अते संवेदनशील सुभा नाल देश नूं फायदा होगा। भारतीय चोन कमिशन ने राष्ट्रपति के अहदे लई चोन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति चोन लई नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी पीसी मोदी ने दस्सिया है कि उम्मीदवार उसका प्रस्ताव रखने बारे ज समर्थकों विचों किसे एक द्वारा 29 जून छुट्टी वाला दिन छड़ के संसद भवन विच सवेरे 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक नामजदगी कागज दाखिल किए जा सकनगे। उन्होंने दस्सिया कि नामजदगी पत्र नाल उस पार्लीमानी चोन हल्के की वोटर सूची विच उम्मीदवार दे संबंध दे इंदराज की एक प्रमाणिक कॉपी लाना जरूरी है जिस विच उम्मीदवार वोटर के रूप विच रजिस्टर्ड है। नामजदगी पत्रां की पड़ताल 30 जून नूं होवेगी। 2 जुलाई 3 बजे तो पहला नामजदगी पत्र वापस ले जा सकते ने। वोटां 18 जुलाई नूं सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक पैणगियां। केंद्र सरकार ने देश के नौजवानों लई अग्निपथ योजना शुरू की है जिस बारे परम भुलेखे पा के उन्होंने गुमराह किया जा रहा है। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तथ्य लोगों सामने रखे ने। इन्हां विच योजना की सही जानकारी दी गई है।
संगरूर लोकसभा जिमनी चोण लई मतदान जारी है। निरपक्ष अते अमन अमान नाल मतदान लई सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। कई थावां ते वोटां दीआं कतारां सवेर तों ही लगणियां शुरू हो गईआं ते लोक आपो अपनी वोट पाउण दा इंतजार करदे नजर आए। संगरूर जिमनी चोण लई करीब 16 लाख वोटर अपनी वोट दे हक दा इस्तेमाल कर सकणगे, जिन्हां विच 8,30,000 56 पुरश ते 7,39,140 महिला वोटरां तों इलावा 44 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल ने। वोटां पाउण दे काम लई कुल 1,766 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए ने। वोटां पाउण दा काम सवेरे 8 बजे तो शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटां दी गिणती 26 जून नूं होवेगी। जिमनी चोण विच मुख पार्टियां दे नुमाइंदियां समेत कुल 16 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। इस चोण विच भारतीय जनता पार्टी दे केवल सिंह ढिल्लों, कांग्रेस पार्टी दे दलबीर सिंह गोल्डी, श्रोमणी अकाली दल दे कमलदीप कौर, अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सिमरजीत सिंह मान, आम आदमी पार्टी दे गुरमेल सिंह अपनी सियासी किस्मत अजमा रहे ने। पंजाब विधानसभा का बजट भलके शुरू होगा तो 30 जून तक चलेगा। विधानसभा का स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि इस बार विधानसभा विच सिखर कॉल दौरान विधायकों नूं अपनी गल रखण दा मौका देण लई लोकसभा दी तर्ज ते ड्रॉ प्रणाली शुरू की जा रही है। विधायकों तों शाम नूं उन्हां दे सिफर कॉल दे सवाल लए जाणगे, जिन्हां चों लगभग 20 सवाल ड्रॉ राहीं चुणे जाणगे, जिन्हां दा बाद विच उन्हां विधायकों नूं जवाब भेजिआ जाएगा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेतीबाड़ी विभाग नूं सूबे दी कपाह पट्टी विच गुलाबी सुंडी दे फैलाव नूं रोकण लई लोड़ींदे कदम चुक्कण दे निर्देश दित्ते ने। उन्हां ने कुछ खेतरां विच गुलाबी सुंडी दे हमले दीआं रिपोर्ट्स दा नोटिस लैंदिआं खेतीबाड़ी विभाग नूं कपाह पट्टी विच पक्के तौर ते अपनियां टीमां तैनात करन लई आख्या तां जो शुरुआती पड़ाव विच ही हमले दी रोकथाम नूं यकीनी बनाया जा सके। उन्हां कहा कि टीमां किसानां नाल सलाह करके लोड़ींदी कारवाई करन। महाराष्ट्र विच महाविकास अकाली सरकार विच पाईवाल शिवसेना दे विधायकां दी बगावत कारण पैदा होया गहरा सियासी संकट जारी है। सूबे दे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव प्रोग्राम राहीं कीते अपने संबोधन विच कहा कि ओ इस्तीफे देण लई तैयार ने पर बागी विधायक सामने आके गल करन। उधर एकनाथ शिंदे वल्लों शिवसेना दे 34 विधायकां दे समर्थन दा दावा कीता गया है। इसे दौरान बीती शाम एनसीपी दे प्रधान शरद पवार ने महाराष्ट्र दे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाल मुलाकात करके पैदा हुए सियासी संकट बारे विचार वटांदरा कीता। भारत ने अफगानिस्तान विच भूचाल कारण हुए जानी माली नुकसान ते दुख प्रकट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान नूं तुरंत हर संभव राहत समगरी मुहैया करवाउण लई तैयार है। उन्हां कहा कि भारत अफगानिस्तान दे लोकां नाल खड़ा है। एक ट्वीट दे विच प्रधानमंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान विच विनाशकारी भूचाल की खबर तो बहुत दुखी ने। उन्होंने कीमती जाना दे नुकसान ते पीड़ित परिवारां लई डूंघी संवेदना प्रकट कीती। इसे दौरान अफगानिस्तान विच आए जबरदस्त भूचाल विच 1,000 तो वध व्यक्तियां दे मारे जाण दी खबर है, जबकि 1,500 तो वध व्यक्ति जख्मी हुए ने। विदेशी खबर एजेंसियां अनुसार अफगानिस्तान पाक्टिका प्रांत दे विच बारमाला, ज़िरुकनाका अते ग्यान जिलियां अते होस्ट प्रांत दे स्पारी जिले विच भूचाल दे तेज झटकियां कारण भारी नुकसान होया है। इस दे नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म होया। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हां, तुसीं भी करो, बाहर निकल लगे मास्क जरूर पहनो, दिओ आग्या। नमस्कार।